अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर में विकास के मुद्दे को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विकास को लेकर जहां कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए डबल इंजन की सरकार में कोई काम नहीं होने की बात कही, तो हमीरपुर सदर से विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेसियों को अपनी हद में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत देते हुए किसी भी समय विकास के मुद्दे पर बहस के लिए खुली चुनौती दे डाली, जिस पर हमीरपुर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हमीरपुर में विकास के मुद्दे को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विकास को लेकर जहां कांग्रेस के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने तंज कसते हुए डबल इंजन की सरकार में कोई काम नहीं होने की बात कही, तो वहीं हमीरपुर सदर से विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कांग्रेसियों को अपनी हद में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत देते हुए किसी भी समय विकास के मुद्दे पर बहस के लिए खुली चुनौती दे डाली है, जिस पर हमीरपुर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। साथ ही नरेंद्र ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि किस सरकार ने हमीरपुर के लिए क्या किया है जनता जानती है, लेकिन कांग्रेसी नेता फिजूल में विकास को लेकर जनता को गुमराह करने का काम करने में लगे हुए हैं। बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी नेता विकास को पचा नहीं पा रहे और ऐसे में फिजूल के बयानबाजी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर अगर कोई कांग्रेस विधायक टिप्पणियां कर रहा है तो विकास के मुद्दे पर खुली बहस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दो सालों में प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के हर जिला में समान विकास करवाया गया है, लेकिन कांग्रेसियों को जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। हम भी डेली पेपर पढ़ते हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो पेपर की सुर्खियों में आना पसंद करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा उनको इतना ही कहना है कि पेपर में दिन स्टेटमेंट देने से और प्रैक्टिकली काम करने में बहुत फर्क है। तो वे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पढ़े, मोदी लहर प्लस जयराम जी की लहर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से हिमाचल पूरे देश में प्रथम आया है। इसको इस बात को कोई नहीं झुठला सकता है, लेकिन कुछ शरारती तत्व बन रहे हैं अपना मकसद हल करने के लिए। ये सारा प्रोपेगेंडा रचा है और जो इस बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनको इतनी नसीहत देना चाहता हूं कि वो स्वयं अब आप खुद क्या कर रहे हैं और कौन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए हमीरपुर के लिए क्या किया। ओवरऑल आपके सामने बैठकर अगर डिस्कशन हो जाए तो मैं इसके लिए हमेशा तैयार बैठा हूं। मैं उन्हीं को कहना चाहूंगी कि जिस बारे में चर्चा करते हैं तो विकास के मामले में आ जाए, किस पार्टी ने ज्यादा विकास किया और कांग्रेस की क्या देन रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता की क्या देन रही है, अगर उस पर चर्चा हो जाए तो हम इसके लिए तैयार है। जहां तक संबंध की बात, ऐसा कुछ नहीं है। आगरा जी की और हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री आपस में बढ़िया संबंध है और सेंट्रल और प्रदेश दोनों मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक सफल भी रहे। वही सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि हमीरपुर के लोग आज कांग्रेस सरकार के समय को याद करते हैं, लेकिन दो सालों में हमीरपुर की जमकर अनदेखी हुई है और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। राणा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई चल रही है जिसका खामियाजा हमीरपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है और नेताओं की अंदरूनी लड़ाई के चलते पूरा हमीरपुर जिला विकास को लेकर प्रभावित होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नाम पर बाह-बाही लूटने वाले नेताओं को जनता की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। आपका ये जो लड़ाई आपके सामने दिख रही है ये अंदर अंदर चल रही थी पहले, और यही वजह है कि जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री की टांग खिंचाई करेंगे, उनको आप जलील करेंगे, तो हमीरपुर जिला तो स्वाभाविक है इग्नोर होगा। आज हमीरपुर में कोई विकास नहीं हो रहा है, हमीरपुर में कोई इवन की जो मुरम्मत के काम है सड़कों के वो भी नहीं हो रहे हैं। अगर ये काम नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमीरपुर के जो नेता हैं उनकी मुख्यमंत्री के साथ तालमेल ठीक नहीं है। अंदर खाते मुख्यमंत्री जो है उनको वो परेशान कर रहे हैं या उनको वो जलील करना चाह रहे हैं, और इसके पुख्ता उदाहरण है। इससे प्रदेश जो है जहां विकास प्रभावित हो रहा है, हमीरपुर जिला काफी प्रभावित हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हमीरपुर के लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी किसके साथ बनती है किसके साथ नहीं बनती है, परंतु अगर ऐसी इनका आपस में तनाव रहेगा तो जिला हमीरपुर तो इग्नोर होगा। आप लोग याद कर रहे हैं कि राजा वीरभद्र की सरकार थी और वीरभद्र जी की सरकार में जिला हमीरपुर में कितने काम हुए और कितना विकास हुआ, वो सारी चीज़ें जो आज लोग उस बात की तुलना कर रहे हैं। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो नहीं होना चाहिए था।